गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जिहड़ा अज्ज दा टॉपिक है जॉइंट्स सब्जैक्ट है कंजियोलॉजी। जो अज्ज आप डिस्कस करांगे वो आप दसांगे जॉइंट की हुंदा, मतलब कि जॉइंट की गल करांगे। अगर आप जरनली जॉइंट की गल करिए भी जरनली जॉइंट की हुंदा, जरनली जॉइंट की हुंदा, अगर जरनली जॉइंट की गल करिए जदों कोई दो या दो तो वध वस्तां आपस जुड़िया हुंदियां ने, कोई भी आ फॉर एग्जाम्पल ये लगा लो ये भी की है एक जॉइंट है। अगर जरनली जॉइंट की गल करिए ये भी की है एक जॉइंट है, मतलब कि इस की हो रहा कि दो चीज़ा आपस मिल रही ने, ये भी की है एक जॉइंट है। वैन टू और मोर दैन थिंग जॉइंट टूगैदर, मतलब कि जब दो या दो तो बद वस्तां आपस जुड़िया होंदिया ने उन्हें आप कहने जॉइंट कहने। अगर आप मतलब कि अनाटमिकल अनाटमी की गल करिए अनाटमिकल ला लो, मतलब कि अपनी बॉडी के विच जॉइंट की हुंदा, आपां उहदी गल करांगे तां उहदी गल करांगे। वैन टू और मोर दैन बोनस, जां आपां कह सकदे आ जंक्शन ऑफ बोनस, उहनूं की कहांगे आपां, वैन आपां कह सकदे आ जंक्शन ऑफ बोनस और कार्टिलेज। अगर आप गल करांगे मतलब कि इहदा की बनता अनाटमी च की बनता जंक्शन ऑफ बोनस, मतलब कि जो दो या दो तो वध हड्डियां मिली होंदियां ने उन्हूं आप की कहांगे जॉइंट कहांगे, ठीक है। अगर आप जॉइंट एक टर्म आउंदी आ आर्टिकुलेशन, टर्म आउंदी आ कि आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन नूं की कहा जांदा, आर्टिकुलेशन मीनस की हुंदा आ, आर्टिकुलेशन मीनस की हुंदा एक जॉइंट ही कहा जांदा इहनूं, आर्टिकुलेशन मीनस की हुंदा एक जॉइंट ही हुंदा। अगर आप जॉइंट की स्टडी की हुंदी आ, स्टडी ऑफ जॉइंट आर्थ्रोलॉजी, अगर आप जॉइंट की स्टडी की गल करांगे भी जॉइंट की स्टडी नूं की कहा जांदा आर्थ्रोलॉजी, एक आउंदा आर्थरीटिस, आर्थरीटिस की हुंदा इनफ्लामेशन ऑफ जॉइंट, आप कह सकते हैं इनफ्लामेशन जॉइंट की कि होंगी इनफेक्शन होंगी या कोई इंजरी, उसकी टर्म कि टर्म यूज करते हैं आप जॉइंट की इनफ्लामेशन लिए ज़्यादातर की यूज करते हैं आप आर्थरीटिस, तो मतलब कि जॉइंट का मतलब कि कोई इनफ्लामेशन हो जाती है या कोई आप कह दिए इनफेक्शन या इंजरी आ जाती है तो उन्होंने कहेंगे आप आर्थरीटिस। अगर आप जॉइंट की गल करिए मेनली जॉइंट की हुंदा, अगर आप मेनली जॉइंट की गल करांगे जॉइंट की है, जॉइंट इज ए डिवाइस, मतलब कि जॉइंट की है एक डिवाइस है जिहड़ी कि नूं परमिट करती है मूवमेंट्स नूं, मतलब कि अगर आप अपनी बॉडी से कोई जॉइंट नहीं होगा तो अपनी बॉडी की है एक बिल्कुल खड़ी रहेगी, तो अपनी बॉडी कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकती। उस तो बाद आप गल करांगे क्लासीफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, क्लासीफिकेशन, अगर आप जॉइंट की क्लासीफिकेशन करांगे तो ये टू टाइप नाल होंदी है, पहली होंदी है स्ट्रक्चरल क्लासीफिकेशन, दूसरी होंदी है फंक्शनल, फंक्शनल क्लासीफिकेशन। अगर आप स्ट्रक्चर की क्लासीफिकेशन की गल करांगे तो ये आप मोस्टली गल करांगे कि अपने जोड़ आ जिहड़े बने किवें दे होया उहदे आधार ते की कीता जांदा, अपने जोड़ां दा वर्गीकरण कीता जांदा। अगर आप फंक्शनल क्लासीफिकेशन की गल करांगे तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਿੰਨ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, जो अपनी पहली क्लास हैगी अपनी फंक्शनल क्लासीफिकेशन। फंक्शन के आधार पर आप जोड़ा किन्ने पहला हुंदा आ
इमूवेबल ज्वाइंट। ए ज्वाइंट की होंगे इमूवेबल मीनस की है कि वह कोई मूवमेंट नहीं करते। सैकेंडली होंगे इन्हों आप कह सकते हैं साइनर थ्रोसिस, इन्हों साइनर थ्रोसिस भी कहा जाता। सैकेंडली होंगे ने स्लाइटली मूवेबल, ये की करते हैं इन्हों आप कह सकते हैं अम्फायर थ्रोसिस। अम्फायर थ्रोसिस भी कहने इन्हें की होंगे ये बिल्कुल मूवमेंट नहीं करते, इन्हें की होंगे मूवमेंट बिल्कुल थोड़ी होंगी है, जब आप कह सकते हैं सम डिग्री, मतलब कि ये ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं होंगी, मतलब कि स्लाइट थोड़ी जी घट मूवमेंट होंगी है। थर्ड वन होंगे ने अपने अपने मूवेबल ज्वाइंट, इन्हों आप कहने आप डायर थ्रोसिस, मतलब कि जेड़े ज़्यादातर जोड़ पाए जाते हैं अपनी बॉडी के मूवेबल, मतलब कि इन्हों की होंगे रेंज ऑफ मोशन की होंगे ज़्यादा होंगी है, मतलब कि इन्हों का की सकते हैं जी रेंज होंगी वाइड होंगी है। इस तो बाद आप गल करांगे इमूवेबल ज्वाइंट की, इमूवेबल ज्वाइंट के किड़े आ फंक्शनल की, सॉरी फंक्शनल क्लासीफिकेशन की गल करांगे, बिना जोड़ा इन्हों की फंक्शनल क्लासीफिकेशन है बेस्ड ऑन मूवेबिलिटी। जे फंक्शनल की गल करांगे काते बेस्ड होंगी है मूवेबिलिटी से, मूवेबिलिटी की होंगी एबिलिटी टू मूव, मतलब कि वह कि मूव करते हैं। जे आप फंक्शनल क्लासीफिकेशन की पहला गल करेंगे काते बेस्ड होंगी मूवेबिलिटी से, मूवेबिलिटी की होंगी एबिलिटी टू मूव, मतलब वह कि मूव करते हैं। तो फंक्शनल क्लासीफिकेशन उन्हों की मूवेबिलिटी के आधार पर किया जाता जोड़न का वर्गीकरण किया जाता। उस तो बाद आप पहली गल करांगे के मू इमूवेबल ज्वाइंट केड़े होंगे कितने पाए जाते हैं, जा स्लाइटली मूवेबल कितने पाए जाते हैं। आप डिस्कस कर रहे हैं पहला फंक्शनल दी, फिर आप गल करांगे स्ट्रक्चरल दी। पहला मतलब कि फंक्शनल क्लासीफिकेशन ही अपनी, इस पहला ज्वाइंट केड़ा दस्या सी इमूवेबल, इमूवेबल इमूवेबल च मतलब कि कितने पाया जाता। एक तो अपना जिमें ये कादे नाल बन्ने होंगे ने फाइबर कनैक्टिव टिशू नाल जिहड़े जोड़ बन्ने होंगे ने, फॉर एग्जाम्पल अपने फॉर एग्जाम्पल की अपना सचर, मतलब कि जिहड़ा अपना माइंड आ, जो आप कह सकते सचर जिन्ना जिहदे नाल अपना माइंड कवर हुंदा, इहदे सारे ज्वाइंट की होंगे ने। फॉर एग्जाम्पल की है अपना मतलब कि सचर है, ये की होंदिया ने हड्डियां की होंदिया ने, मतलब आपस दे विच की होंदिया ने मिनिमल फाइबर राही की होंदिया ने ये बन्निया होंदिया ने, मतलब इन्हों दे विच की है कि इन्हों की जिहड़ी लैक इस कादी कैप्ट घाट होंदी है, इस कैविटी की लैक ऑफ कैविटी, मतलब कि ये की है कि कोई गैप नहीं होंदा, ये फाइबर नाल की होंदिया ने आपस दे विच बन्निया होंदिया ने। तो उस तो बाद एक होंदा गम्फोसिस, गम्फोसिस मतलब कि जेडे अपने दंद ने ना, दंदा मतलब कि जेडे अपने जवाड़े नाल मतलब कि आपस मिली होंदिया ने, वो जोड़ नूं की कहा जाता गम्फोसिस, मतलब कि जेडे दंद अपने फिट होंदे आ जवाड़े दे विच, तां वो जो ज्वाइंट भी केड़ा आ मूवेबल ज्वाइंट। एक थर्ड ज्वाइंट रह गया अपना सैंडी सैंडी मोसिस, ये भी की होंदा सैंडी मोसिस, ये भी की होंगे कि ज्वाइंट भी की होंगे सैंडीमोसिस कितने पाया जाता अपने ज़्यादातर लैग द, मतलब कि कह सकते हैं लोअर लैग का डिस्टल एंड है, ये भी ये लिगामेंट नाल बन्नी होंगी है, ये भी की होंगे कि मूवमेंट नहीं होंगी। हुण सैकेंडली गल करांगे आप स्लाइटली मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट की होंगे ने कि फंक्शनल क्लासीफिकेशन की गल कर रहे हैं। सैकेंडली केड़ा हो गया स्लाइटली, स्लाइटली मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल घट चलन वाले, मतलब कि इन्हां दे विच की हुंदा ये ज़्यादातर कादे नाल बनने होंगे ने लिगामेंट नाल भी बनने होंगे ने, लिगामेंट्स नाल भी और
फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। जिमें अपनी यदि एग्जाम्पल कि स्लाइटली मूवेबल दी, स्लाइटली मूवेबल जड़ा अपने रीढ़ की हड्डी आ, फॉर एग्जाम्पल की अपने रीढ़ की हड्डी आ, वो सारे जड़े इंटरवर्टीब्रा जड़े मणके होंगे ने वो कि जुड़े होंगे ने फाइबरस कनैक्टिव टिश्यू नाल जा फाइबरस नाल जुड़े होंगे ने। तो इन जोड़ों में की होंगी है बिल्कुल मूवमेंट घट होंगी है। तो ये जड़े जोड़ ने बॉडी के इन्हां ते लाइट मतलब कि कह सकते आपां जिहड़ा इन्हां दा रेंज ऑफ मोशन आ वह घट हुंदा। जिहड़ी गै मतलब कि कैविटी आ इहच वी लैक ऑफ कैविटी हुंदी आ, मतलब कि जिहड़ा गैप आ जोड़ दे विच उह बिल्कुल की हुंदा आ घट हुंदा। उस तो बाद थर्ड वन आ गया अपना मूवेबल जॉइंट। ये बॉडी दे विच की आ अपने थर्ड आ गया अपना मूवेबल जॉइंट। मूवेबल जॉइंट तो समझ ही गए, मूवेबल मीनज की होंगे चलन वाले जोड़ जिहड़ी इन्हां दे विच मूवेबल दे विच जां मूवेबल कह सकते हैं जां आपां नूं कह सकते हैं फ्रीली मूवेबल। मूवेबल भी चलन वाले होंदे आ, फ्रीली मूवेबल भी की हो गया चलन वाले होंदे आ। ये ज़्यादातर अपनी बॉडी के कादे नाल बनने होंदे आ, इन्हां दे जिहड़े जॉइंट होंदे आ ये किहड़ा आपां कह सकते हैं शोल्डर जॉइंट भी किहड़ा आ गया मूवेबल जॉइंट आ गया। जा इहदे भी फर्दर की ने अगे सिक्स टाइप हुंदिया ने जिसका आप डिस्कस मतलब कि स्ट्रक्चर क्लासीफिकेशन तो आप बात करांगे। मूवेबल जॉइंट इहच की हुंदा, मूवेबल जॉइंट दे विच जिहड़े जोड़ ने उह कादे नाल बन्ने हुंदे ने अपने कार्टिलेज जां लिगामेंट्स नाल। इहनां दे विच मूव जिहड़ा इहनां दा रेंज ऑफ मोशन हुंदा, मूवेबल दा रेंज ऑफ मोशन मतलब कि वह की हुंदा आ ज़्यादा हुंदा, मतलब कि मूवमेंट की करदे ने ज़्यादा करते हैं। तो ये की अगे की होंदा ये जड़िया फरदर चीज़ा आ जाए ने, फरदर मतलब कि ये की होंदा मतलब कि जॉइंट कैविटी होंदी आ, जॉइंट कैविटी होंदी आ जिहड़ा की होंदा जोड़दा की होंदा आपस दे विच, इहनू की कहने आपां गैप होंदा जिहड़ा अपना ये इहनू की कहने आपां जॉइंट कैविटी। इहदी आपां गल करांगे जॉइंट कैविटी दी, जिहड़ा हड्डी नूं आपस तो रगड़ तो बचाउंदा वह की हुंदा आ आर्टिकुलर कार्टिलेज हुंदा, आर्टिकुलर कार्टिलेज हुंदा ठीक है। अगर इहदे विच गल करांगे तां इक इहच साइनोवियल फ्लूइड पाया जांदा बिल्कुल सेंटर दे विच, इह जोड़ां दे विच ज़्यादा की पाया जांदा है किहड़ा फ्लूइड पाया जांदा है साइनोवियल, साइनोवियल फ्लूइड पाया जांदा है। समझ लगी, साइनोवियल फ्लूइड के उपर एक मैंबरेन होंदी आ उहनू कहिंदे ने साइनोवियल मैंबरेन। साइनोवियल मैंबरेन तो बाद की हुंदा है फाइबरस का हो हुंदी आ इत्थे मतलब कि झिल्ली हुंदी आ फाइबरस मैंबरेन। उस तो बाद उपर की हुंदा उहदे लिगामेंट्स, तां इह की करदा जोड़ नूं कवर करके रखदा। उस सैकेंड आपां गल करांगे स्ट्रक्चर क्लासीफिकेशन दी भी मतलब कि उहनां नूं बनतर दे आधार ते भी किमें बनया जाता है, मतलब कि सैकेंडली गल करांगे आपां स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरल क्लासीफिकेशन की, इहनू भी तीन भागां च वंडिया जाता। इहदी मतलब कि इहनू स्ट्रक्चर च क्यों वंडिया जाता, इह किहड़े टिशू नाल जुड़े हुए ने, जां की है जिहड़ी जिहड़ी कैविटी है उह की है हैगी है जां नहीं, उहदे आधार ते की कीता जांदा इहदा वर्गीकरण कीता जांदा। तां इहदे च पहला जॉइंट किहड़ा आजूगा, पहला आ गया फाइबरस, फाइबरस जॉइंट मतलब कि आपां पहली डिस्कस कर चुके हैं आपां इमूवेबल जॉइंट च वह कादे नाल बन्ने हुंदे ने फाइबर नाल, तां उहनां दे विच मूवमेंट जिहड़ी हुंदी है बिल्कुल घट हुंदी है। सैकेंड किहड़ा आ गया अपना कार्टिलेजियस, ये जॉइंट की होंगे ने कार्टिलेज नाल की होंगे ने बन्ने होंगे ने, इन्हां च भी जिहड़ी जिहड़ी वह आ लैक ऑफ कैविटी आ घट हुंदी आ। उस तो बाद फाइबरस, फाइबरस च भी जिहड़ी घट हुंदी आ। एंड थर्ड वन हुंदा आ अपना, थर्ड वन हुंदा आ अपना
साइनोवियल ज्वाइंट इन्हां नूं मतलब साइनोवियल क्यों गया, क्योंकि इन्हां जोड़ां दे विच साइनोवियल फ्लूइड पाया जांदा। हुण आपां इस तों बाद आपां गल करांगे जिहड़े मूवेबल ज्वाइंट आ उन्हां नूं किन्ने भागां च वंडिया जांदा है, ये किहड़े किहड़े फ्रीली मूवेबल नूं फर्दर उहदियां किन्नियां टाइप हुंदियां ने, सिक्स टाइप हुंदियां ने। पहली हुंदी आ बाल एंड सैकेट ज्वाइंट, इहदे विच की हुंदा जिहड़ी एक आर्टिकुलेशन मतलब कि बोन कह सकते हैं जां आपां सरफेस कह सकते हैं, वह की हुंदा राउंड हुंदा है। तो दूजी बोन का सरफेस की हो, एक सॉकिट वांग। फॉर एग्जाम्पल की अपना शोल्डर का ज्वाइंट आ जिहड़ा, वह अपना किहड़े टाइप का ज्वाइंट, अपने बाल एंड सॉकिट टाइप ज्वाइंट आ। और थर्ड गल करांगे आपां हिंज ज्वाइंट, हिंज नूं कह सकते हैं आपां कब्जेदार, कब्जेदार यह की हुंदा जिहड़ा बाल एंड सैकट ज्वाइंट हुंदा, यह मल्टी एक्सियल हुंदा, मतलब कि इहदी वाइड जिहड़ी रेंज ऑफ मोशन आ ज़्यादा हुंदी आ, एंड चारे पासे की हुंदी इहदी मूवमेंट हुंदी आ। उस तो बाद गल करांगे आपां हिंज टाइप ऑफ ज्वाइंट, इहनूं आपां किहड़ा कहांगे कब्जेदार। फॉर एग्जाम्पल की आ कि अपने गेट के उपर की लगे हुंदे ने, कब्जे लगे हुंदे ने, वह की करदे ने जूनी, जूनी मीनज हो गया सिंगल, जूनी एक्सियल मतलब कि एक साइड की होंगी इन्हों की मूवमेंट होंगी। फॉर एग्जाम्पल अपना गेट आ जिहड़ा वो एक साइड ही बंद होंदा, एक साइड ही खुलता, क्योंकि उहदे कब्जे लगन के बावजूद वो दूसरी साइड की करता मूव नहीं करता। उस तो बाद पीवट, पीवट ज्वाइंट अपना कितने पाया जाता, हो जिहड़ी अपनी आलना ते रेडियस बोन हुंदी है, आलना ते रेडियस ये की कर दिए ने एक दूजे उपर की कर दिए ने, फॉर एग्जाम्पल मूव कर दिए रहते हैं, पीवट कर दिए ने। तो इन की होंगी ये भी कार्टिलेज नाल की होंगे ने बनिया होंगे ने आपस के मूवमेंट की होंगे घट होंगी है। उस तो बाद आ गया ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग मीनस की होंगे तिलकमें जोड़, ये दो बोन का सरफेस हों मतलब आप बिल्कुल फ्लैट तो नहीं कह सकते, नीयरली फ्लैट हों, ये की करती है एक बोन दूसरी बोन के उपर की करती है ग्लाइड करती है, तिलकती है, मतलब तिलकमें जोड़। उस तो बाद आ गया सैडल, सैडल ज्वाइंट के जोन होंगे काठीदार कह सकते हैं, एक की होंगे काठीदार एक कनकेव हों, एक कनवैक्स, ये जोड़ मतलब कि ये टाइप के होंगे ने सैडल दे। सैडल किनू कहने आप काठीदार, जोड़ा कौंडिलर ज्वाइंट आ ये किनू मोडिफाई किया गया हिंज ज्वाइंट में, ये एक बोन का सरफेस गोल हों, फॉर एग्जाम्पल एक कौंडाइल कहा जाता है, एक गोल सिरे नूं हड्डी दे नूं, तां इहदे एक बोन का सिरा गोल हुंदा और दूसरी हड्डी का सिरा बिल्कुल सॉकेट वांग हुंदा जिहदे विच इहनूं फिट किया जाता। तां इह जिहड़ियां सारियां मूवमेंट ने मतलब कि बाल एंड सैकेट आ गया, हिंज आ गया, पीवट, ग्लाइडिंग, सैडल, कौंडिलर ज्वाइंट, कादियां टाइप्स ने, यह फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट दियां। अज जो आपां डिस्कस किया ज्वाइंट के बारे, धन्यवाद।